भारतीय जीवन बीमा निगम LIC शहडोल मंडल के अंतर्गत 12 शाखाओं में कार्यरत लगभग 110 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके कार्यों से पृथक कर दिया गया है, जिससे इन शाखाओं में वर्षों से अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है। इस संबंध में पृथक किए गए कर्मचारियों ने वरिष्ठ कार्यालयों को ज्ञापन सौंपा है। इन कर्मचारियों ने बताया कि वे लगभग 25 वर्षों से अस्थायी कर्मचारियों के रूप में LIC की विभिन्न शाखाओं में अपनी सेवाएं दे रहे थे, किंतु विगत जून माह में अचानक ही मंडल शहडोल के अधिकारियों द्वारा उन्हें मौखिक रूप से बताया गया कि उन्हें उनकी सेवाओं से पृथक कर दिया गया है। अब आगे जो भी भर्तियां होंगी वह आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी। LIC के इस निर्णय से सैकड़ों परिवार सड़क पर आ गए हैं। सेवाओं से पृथक किए गए कर्मचारियों ने यह भी बताया कि अब भर्तियों की जिम्मेदारी इंदौर की किसी बालाजी सिक्योरिटी कंपनी को मिली है। यह कंपनी पृथक किए गए कर्मचारियों को पुनः सेवाओं में रखने के लिए प्रत्येक कर्मचारी से 11,000 रुपयों की मांग कर रही है। पहले से ही आर्थिक संकट झेल रहे परिवारों के लिए यह राशि पहाड़ के समान है। कुछ कर्मचारियों को लेन देन करके इस कंपनी ने वापस नौकरी में रख भी लिया है, लेकिन अभी भी कई कर्मचारी ऐसे हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं। शहडोल मंडल की विभिन्न शाखाओं में पूर्व में कार्य कर रहे इन अनियमित कर्मचारियों को पृथक करने से पूर्व मंडल द्वारा किसी भी प्रकार की लिखित जानकारी नहीं दी गई। अचानक ही मौखिक रूप से बताकर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपे गए ज्ञापन में पृथक किए गए कर्मचारियों ने न्याय की गुहार लगाई है। पहले तो वो 11,500 रुपए का डिमांड किया था। कौन किए थे डिमांड? जय बालाजी कंपनी वाला है ना। इसके बाद में मैनेजमेंट से उसकी बात हुई तो वो 5,000 रुपए किया, वो भी दो किस्त में। बोला कि दो किस्त में, अभी लोग के पास पेमेंट तो है नहीं। दो महीने से हम काम किए लेकिन बट हमको पेमेंट किया ही नहीं गया है। यानी मैनेजमेंट के द्वारा पैसा दिलवाया जा रहा था ठेकेदार को? हाँ, मैनेजमेंट मतलब बात किया उससे, यहाँ के प्रबंधक नहीं, तो उन लोगों ने मोटिवेट किया तो 5,000 रुपए किया हम लोग का, जो हम लोग के ऑफिस में काम कर रहे हैं पहले से, मतलब पदस्थ। तो फॉर्म भी करके नहीं दिया है हमको, और जिस भेजा है वो किसी और दूसरे लड़के का भेजा है, वो अपने लड़कों का नाम भेजा है। आप शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? यही मांग कर रहे हैं कि हम, हमारा केस 2011 से चल रहा है और अभी तक कोई निर्णय हुआ नहीं है, और ये क्या है, ठेकेदारी में डाल दिया गया हमको। आप यानी LIC के अंडर में काम करना चाहते हैं? जी हाँ, LIC के अंडर में काम। हमने केस ही किया था कि हमको परमानेंट किया जाए। कहाँ चल रहा केस? हाई कोर्ट जबलपुर में। क्या नाम भैया आपका? अरुण कुमार सोनी। आप कहाँ पदस्थ हैं? बुढ़ार LIC में। क्या समस्या है आपके सामने? हमारे साथ ये है कि हम लोगों को ठेकेदारी में किया जा रहा है। ये शासन से ऐसा कोई आदेश आया? नहीं, हमको आज तक कोई लिखित आदेश नहीं मिला है और हमें मौखिक रूप से बाहर किया जा रहा है। ये तो आप लोग ठेकेदारी में काम करेंगे और कल से कार्यक्रम अपने कार्यालय में आप लेंगे। आपको यहाँ मैनेजमेंट यानी LIC प्रबंधन के द्वारा हटाया जा रहा है? जी। क्या बोल के हटाया जा रहा है? कि आप हमारे पास ऊपर से आदेश आ गया है। कितने वर्षों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 2001 से काम कर रहा हूँ, है ना। आप प्रशासन को इस बात की जानकारी दिए हैं कि? हाँ, दिए हैं। इसकी पहले हमने थाने में, बुढ़ार थाने में रिपोर्ट किया है और श्रीमान कलेक्टर साहब जी के यहाँ भी दिया है, SP साहब के यहाँ भी दिया है, और लोग है ना संसद में भी भेजा गया है। जय सिंह मरावी जी को भी आज चल रहा है। आपको ये बताया जा रहा कि आप आउटसोर्स में आपको रखा जाएगा? रखा जाएगा, और जिसमें हम लोगों ने पूरे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद पैसा भी ले लिया, हम लोग को नाम भी हटा दिया। कौन पैसा लिया है? ठेकेदार। कौन है ठेकेदार? बालाजी कंपनी का आदमी है। कितना पैसा लिया है आपसे? 5,000 रुपये की डिमांड थी। पहले तो 11,000 रुपये 500 मांग रहे थे। इसके बाद में ऑफिस द्वारा कुछ उन लोग का हुआ तो 5,000 रुपये, मतलब उनकी बात हुई कि 2,500 रुपये दो किस्त में दे दीजिए, हम आप लोगों को अपने अपने रख लेंगे। और काम हम सब उसी, दो महीना हो गया फार्म लेने के बाद भी, मतलब आज तक हमारा कोई रिकॉर्ड में नाम नहीं आया और चार लोगों का बाहर का नाम आ गया। पैसा आप जमा कर दिए? हाँ, पैसा हमने और पेपर हमने दे दिया, हमारे पास उसकी फोटो कर दी। यानी आपके साथ कहीं ना कहीं कंपनी धोखाधड़ी? धोखाधड़ी साथ में हमारा मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट से कोई आपको सहयोग नहीं मिला?